नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगातार हम सच्चाई जानने के लिए डेरा सच्चा सौदा की, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की रियल फैक्ट जानने के लिए समाज के रहने वाले लोगों से विचार जान रहे हैं। क्या कहता है आज उनके बारे में समाज, जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नवीन नाम। क्या करते हो सर? स्टडी करते हैं जी, MSc फर्स्ट ईयर। सर क्या कहना चाहोगे आप? लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस पे समाज पे अगर वो 2-2.5 साल से पीछे नहीं है यहाँ पे, तो नशे भी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा फैल रही है। और जैसे भी मान लो इतने नशा हो रहा है, इतने गुरुते वो इतने अच्छे मानता लाए गए 133 काम कर रहे थे, लेकिन अब इतनी बुराइयाँ फैल चुकी है, अगर वो आएंगे तभी कुछ होएगा। जैसे जब वे थे गुरुजी, किस तरह से उन्होंने समाज को नशा मुक्त किया, समाज से कुरीतियाँ ख़त्म की? जब वो गुरुजी यहाँ थे तो उनका मतलब हर वीकली सत्संग होता था, तो वो मतलब यहाँ करोड़ों की साध संगत को मतलब डेली अपने तरीके से नशा छुड़ाना, हर तरीके से वेश्यावृत्ति और इतने मतलब लाइक कार्य डेली बताते थे, इसलिए लाखों लोग उनका उनकी प्रेरणा पर चलते हुए लाखों लोग नशा छोड़ते थे हर बार। क्या आज समाज को उनकी ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है उनको आज। क्यों? क्योंकि अगर आज जिस हिसाब से नशा फैल रहा है, ड्रग माफिया हो रहा है, इससे यूथ है वो दिनों दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। सर डेरा की बात करते हैं, डेरा के अंदर किस तरह का माहौल है? डेरे में बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से इंडिया न्यूज या मतलब जो भी इंडिया का मीडिया है वो दिखा रहा था, उस तरह का बिल्कुल कुछ नहीं है। डेरे में वैसी संगत है जो कि, तो जितने कार्य चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। सरकार से अपील ये करना चाहते हैं कि वो मतलब जो मानता कार्य कर रहे थे वो करे, और उनके गुरुजी के द्वारा कार्य चलाए गए हैं वो भी उनको फॉलो करे, और अच्छे अच्छे मतलब समाज का भला हो जिससे। थैंक यू सो मच सर। तो ये रियलिटी डेरा की पास।